तो देखिए दोस्तों, मैंने इंस्टा 360 कैमरा लगा रखा है फॉर सिनेमैटिक कैप्चर। चलिए थोड़ा पानी के पास चलते हैं। हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सोलो ट्रिप मैं जा रहा हूँ। यहाँ से जाऊँगा भोर, अभी मैं चांदनी चौक पे हूँ, बेंगलोर हाईवे पे। यहाँ से प्लान ये है कि मैं जाऊँगा भोर, भोर से मंदारदेव घाट, मंदारदेव घाट से होते हुए वाई जाएंगे, और वाई में टाइम मिला तो मेलावली टेम्पल एंड धूम डैम बैक वाटर्स कवर करेंगे आज। सो दैट्स द प्लान फॉर टुडे। आई स्टार्टेड एट अराउंड 6 AM। सो बने रहिए मेरे साथ। मंदारदेव घाट जो है वो बहुत ही सीनिक रूट है। मैं पहले मंदारदेव घाट जा चुका हूँ, बट मंदारदेव घाट से होते हुए वाई तक नहीं गया, तो आज वाई जाऊँगा। सो दोस्तों, आप जब चांदनी चौक के साइड से आते हैं तो कपूर होल से भी आप राइट मार के भोर जा सकते हैं, लेकिन आपको कपूर होल से नहीं जाना है, बिकॉज वो जो पैच है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये जो एरिया है ये शिंदेवाड़ी, यहाँ से आपको राइट मारना है। मेन रोड एक्चुअली भोर जाने का यही दिखाता है गूगल मैप में, बट समटाइम्स आप जब कपूर होल से या फिर सासवड़ साइड से आते हैं कपूर होल तक, तो कपूर होल में आपको दिखाता है राइट मारने के लिए। तो वो रोड अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है सिंस लॉन्ग टाइम, तो वो रोड अवॉइड कीजिए अभी। सो दैट्स इंफॉर्मेशन फॉर यू। तो अभी हम भोर की तरफ कंटिन्यू कर रहे हैं। सो दोस्तों, ये चौक आ गया, यहाँ से हमको लेना है लेफ्ट, तो लेफ्ट लेंगे तो मंदारदेव घाट की तरफ ये रास्ता जाता है सीधा भोर की तरफ। तो हमने ले लिया है लेफ्ट। सो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं, ये जो मंदारदेव का घाट का जो रास्ता है ये भी अभी ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट यू कैन ड्राइव इजीली। सो आगे मैं देखता हूँ कहाँ तक है ऐसा अंडर कंस्ट्रक्शन, उस हिसाब से मैं आपको अपडेट कर दूंगा, सो दैट यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस रूट। सो दोस्तों, जैसा मैंने अभी बताया कि ऑलमोस्ट दो किलोमीटर तक बैड पैच है, सो आई वाज रॉन्ग। एक्चुअली अभी भी बैड पैच चल ही रहा है। आई फील एटलीस्ट 8 से 10 किलोमीटर तक आपको बैड पैचेस मिलते रहेंगे। आई होप आगे नहीं होना चाहिए, बट यू नेवर नो। ऐसा मुझे पीछे भी लगा था कि बैड पैच खत्म हो गया है अंडर कंस्ट्रक्शन रोड, बट तो आगे देखते हैं। आप 8 to 10 किलोमीटर तक आप मान के चलिए कि आपको बैड पैच मिलने वाला है। टू व्हीलर आर स्टिल मैनेजेबल। आप अगर कार से आते हैं देन आपको बहुत स्लो आना पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी यहाँ जो मंदारदेव व्यू पॉइंट था वहाँ से मैंने फिर से स्टार्ट किया है टुवार्ड्स वाई।
बीच में अगर कोई सीन अगर अच्छा लगेगा तो रुक के शूट करूँगा। आप वर्चुअली इंजॉय कीजिए ये रूट को। सो देखिए दोस्तों, मैंने इंस्टा 360 कैमरा लगा रखा है फॉर सिनेमैटिक कैप्चर। ये फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ ऐसा। लेट्स सी हाउ इट गोज। तो दोस्तों, ये है बात कि आप जब भोर से मांडरदेव घाट की तरफ आएंगे तो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है रोड अप्रॉक्स 8 to 10 किलोमीटर्स, और आप जब मांडरदेव घाट से नीचे उतरेंगे टुवर्ड्स वाई तो सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन है। यहाँ भी अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है। सो दैट्स अपडेट फॉर यू। अगर आप प्लान कर रहे हैं मांडरदेव घाट आने का, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस बैड पैचेस। इट्स दीज आर नॉट बैड पैचेस बेसिकली, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है रोड। जब रोड एक बार कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो जाएगा उसका, तो रोड शानदार हो जाएगा यहाँ का। बट टिल देन जो पेन है वो तो है ही। तो दोस्तों, वाई यहाँ से 3 किलोमीटर दिखा रहा है, तो वाई में मैं पहले जाऊँगा मेनावली घाट। ये जो मेनावली, यहाँ पे बेसिकली एक छोटा सा टेंपल है, बट आपने इसको, ये स्पॉट को बहुत सारे मूवीज़ में देखा रहेगा, जैसे स्वदेश, गंगाजल, इश्कियाँ, दबंग 1 दबंग 2। तो वहाँ पे मैं पहले भी जा चुका हूँ, बट व्लॉग नहीं बनाया था उसके ऊपर। आज थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए रुकूँगा मैं मेनावली घाट में, देन फ्रॉम देयर आई विल कंटिन्यू टू धोम डैम। तो बने रहिए मेरे साथ टू एंजॉय ऑल दिस लोकेशंस वर्चुअली। सो दोस्तों, हम आ चुके हैं मेनावली टेंपल में। ये देखिए, थोड़ी देर में आपको लोकेशन दिखाता हूँ। ये लोकेशन देख के आपको एकदम से याद आ जाएगा, ये कहीं तो देखा है। ये देखिए ये लोकेशन, यहाँ पे बहुत सारे मूवीज शॉट हुए हैं। इसको बोलते हैं मेनावली टेंपल। ये देखिए, ये जो मंदिर है ये आपने बहुत सारी मूवीज में देखा रहेगा, स्पेशली गंगाजल एंड स्वदेश, और भी मूवीज हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ मैं मूवी का एक क्लिप डाल दूंगा, यहाँ पे आप फिर आप मैच कर पाएंगे कि ये कहाँ पे देखा है। दिस इज मेनावली टेम्पल। देखिए दोस्तों, ये है पोर्तुगीज बेल जिसके बारे में बोल रहा था मैं आपको। यहाँ पे एक वाड़ा भी है जिसको फडणवीस वाड़ा बोलते हैं, नाना फडणवीस वाड़ा। ये भी, वो भी एक फेमस लोकेशन है। वहाँ पे शायद अंदर अलाउ नहीं करेंगे, मैं भी जाके देखता हूँ। वहाँ पे बाजीराव मस्तानी
और भी मूवीज है इश्किया, ये सब शूट हुआ है वहाँ पे, तो अभी जाके देखता हूँ वहाँ पे, आपको बताता हूँ मैं। तो बने रहिए मेरे साथ फॉर सच वंडरफुल लोकेशंस। तो देखिए दोस्तों, हम लोग आए हैं अभी, हम लोग बोलने की आदत हो गई है अभी, तो आज मैं अकेला ही हूँ। तो ये नाना फडणवीस वाड़ा है, यहाँ पे पार्किंग का 10 रुपये लगता है। सो टू व्हीलर के लिए पार्किंग सफिशेंट स्पेस है, ये आप देख सकते हैं, ये पार्किंग है इसके सामने। मैंने उनसे पूछा कि अंदर अलाउड है क्या, तो उन्होंने बोला अंदर अलाउड है, सो इट्स गुड। तो यहाँ पे बहुत सारे मूवीज़ के शूट हुए, शॉट हुआ यहाँ पे, बाजीराव मस्तानी एक्सेट्रा। तो आपको मैं अंदर से दिखाता हूँ अंदर कैसा है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। तो दोस्तों, ये नाना फडणवीस वाड़ा था, यहाँ पे बहुत सारे मूवीज़ के शूट हुए हैं। अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं था, सिर्फ उन्होंने बोला मोबाइल से शूट कर सकते हो, मोबाइल से आई मीन फ़ोटो ले सकते हो, नॉट वीडियो। तो मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ कैप्चर किए हैं, इनको मैं एक सीक्वेंस में एक स्लाइड बना के डाल दूँगा वीडियो में, आप देख सकते हैं। एक्चुअली ये रिस्टोर किया गया है, ये जो जगह है इसमें फ़ोटोज़ में पुराने पहले कैसा था और बाद में रिस्टोरेशन के बाद कैसा हो गया, ये दोनों स्टेट दिखाया गया है। तो मैं आपको दोनों स्लाइड में डाल दूंगा, यू कैन वर्चुअली विजिट दिस प्लेस। सो दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ धोम बैक वाटर्स, धोम डैम यहाँ का वाई का फेमस डैम है, और बहुत ही सीनरीज वहाँ के बहुत अच्छे हैं। मैं धोम के बैक वाटर साइड में जा रहा हूँ, आप अगर मैप में सिंपल धोम डैम सर्च करेंगे तो ये डैम के उस साइड, डैम के लेफ्ट और राइट दोनों साइड रास्ता है, मैं राइट साइड में जा रहा हूँ। तो बैक वाटर्स राइट साइड में आता है, और आप धोम डैम सर्च करेंगे इट विल बी ऑन लेफ्ट साइड ऑफ डैम। डैम का जो गेट है दैट इज़ ऑल्सो ऑन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में एक बोटिंग क्लब भी है। तो एक्चुअली ये रोड डैम के चारों तरफ राउट होता है, बट इट विल बी लॉन्ग रूट एक्चुअली। तो आप अगर बोटिंग क्लब आने का प्लान करते हैं तो आप वाई आने से पहले ही मैप लोकेशन सेट कीजिए टू धोम डैम बोटिंग क्लब। आप अगर बैक वाटर्स डाल देंगे देन वहां से बोटिंग क्लब आपको बहुत लंबा पड़ेगा। तो धोम डैम का बैक वाटर्स मैं इसलिए कवर करना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पे पानी के पास जा सकते हैं, और समहाउ आई पर्सनली फेल्ट लाइक बैक वाटर्स का जो लोकेशन होता है फॉर एवरी डैम, ईच डैम, वो बेटर होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल व्यू पॉइंट्स। सो दैट्स व्हाई आई एम प्रेफरिंग बैक वाटर्स। तो दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूँ पानी के पास जाने का, तो एक रास्ता दिखा है, मैं आ गया हूँ। अदरवाइज ये रोड पे पहले भी था, मैं उस सोचा आ गया और अच्छा लोकेशन होगा तो यहाँ आएंगे। तो दोस्तों देखिए,
कितना शानदार दिख रहा है धूप में ये। अभी मैं देखता हूँ कहाँ से जा सकते हैं पास, यहाँ से रास्ता लग नहीं रहा है, जो राइट लेना पड़ेगा। देखिए दोस्तों कितना शानदार लोकेशन है, यू वोंट बिलीव। तो आपको मैं दिखाता हूँ 360 व्यू ये लोकेशन का, ये लोकेशन का मैप लोकेशन में एग्जैक्ट लोकेशन डाल दूंगा आपको। रोड से कहाँ मुड़ना है वो भी बता दूंगा मैं, वहाँ पे BSNL का ऑफिस था। सो आई विल लेट यू नो इन द डिस्क्रिप्शन, आप सीनरीज का मजा लीजिए। चलिए थोड़ा पानी के पास चलते हैं। ये माउंटेन्स और ये लोकेशन देख के मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं पुणे में हूँ। अभी तक कितने भी डैम देखे हैं, सबसे खूबसूरत डैम धोम डैम। तो ये आज के ट्रिप का लास्ट लोकेशन है। आज मैं भोर से होते हुए मांधरदेव घाट होते हुए वाई आया, वाई में मेलावली टेंपल गया, मेनावली टेंपल सॉरी। देन वहीं पे नाना फडणवीस वाड़ा था, वहाँ उसके अंदर का मैं शूट नहीं कर पाया बिकॉज इट वॉज नॉट अलाउड। And then I came here in Dhom Dam, backwaters. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel.